अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम करते हैं। लाहौर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। अब हम बात करेंगे शरकपुर रोड के ऊपर। ऐसे तमाम मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो कि प्रॉपर्टी और हाउसिंग सोसाइटी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी पाकिस्तान का नंबर वन बिजनेस है। आप लोग जानते हैं कि जितने भी लोग जल्द अज जल्द तरक्की करते हैं और कामयाब होते हैं वो प्रॉपर्टी से लिंक होते हैं, जुड़ जाते हैं और एक वक्त आता है कि वो कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आपको किसी भी काम को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, आपको किसी भी काम को सीखने के लिए उस काम के अंदर इन होना पड़ता है, उस काम के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। जब आप लर्निंग पीरियड से गुजरते हैं, सीखते हुए गुजरते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन आप जिस कारोबार के अंदर इन हो जाएंगे, हम ये बात अक्सर शेयर करते हैं, हम अपने टॉपिक्स के अंदर शेयर करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के अंदर शेयर करते हैं कि आप किसी भी फील्ड के किसी पुराने बंदे को जो 10 साल 15 साल पुराना बंदा है, यानी उसने 10 साल एक काम में लगा दिए, 15 साल लगा दिए, तो उसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं होता, उसका मद्दे मुकाबल, उसका हरीफ कोई नहीं रह जाता, सब उसके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। क्यों बनना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि उसके पास स्किल सेट होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसको चीज़ों का आइडिया हो चुका होता है। पंजाबी में कहते हैं कि जी वो भाई उन्होंने सारियां घुरियां का पता चल जाता है। तो आप जो वो डीप पॉइंट्स होते हैं, जो वो चीज़ें होती हैं, अगर वो सीख लें कि प्रॉपर्टी का काम कैसे होता है, कैसे किया जाता है, किसको प्रॉपर्टी सेल की जाती है, प्रॉपर्टी सेल करने का तरीकाकार क्या है, इसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, कस्टमर्स कौन कौन से हैं, तो आप भी उस फील्ड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होते रहते हैं और तरक्की करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि हमें उस फील्ड के अंदर रेफर करें जहाँ पे हमें तरक्की के चांसेस मिले। तो तरक्की, मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में इस वक्त 1300 से ज़्यादा बिजनेसेस हो रहे हैं, 1300 से ज़्यादा कारोबार मुख्तलिफ किस्म के अगर हैं, तो उनमें सबसे टॉप रेटेड जो है वो प्रॉपर्टी का कारोबार है, रियल इस्टेट का कारोबार है, हाउसिंग सोसाइटीज़ का कारोबार है। तो हाउसिंग सोसाइटी जो कि शरकपुर रोड के ऊपर है, यहाँ पे हमें फ्रेश फीमेल्स कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। इनका काम टेली सेल्स का होता है, एज ए कॉल ऑपरेटर ऑफिस में बैठ के आपने काम करना है। आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। अगर आप प्रॉपर्टी की इस जॉब को ज्वाइन करते हैं 8 आवर्स के अंदर, चूंकि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप समझ लें कि आपको कंपनी एक इंटर्नशिप ऑफर करी जिसमें आपको सिर्फ काम सिखाया जाएगा, आपको ट्रेंड किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको मामलात बताए जाएंगे, आपने बात कैसे करनी है, आपने किसी भी कस्टमर को डील कैसे करना है, इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। इन 3 माह के अंदर वो तमाम फीमेल जो कि फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे इस जॉब को ज्वाइन करेंगी, इनको 15 से 16 हज़ार रुपया बेसिक सैलरी पैकेज ऑफर किया जाएगा। इनको एक छुट्टी ऑफर की जाती है जो कि वीकली आपका ऑफ होता है। 8 आवर्स की आपकी ड्यूटी होती है। बट एक चीज़ जो इस कारोबार की वो ये है कि अगर आप इस जॉब को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो बेसिक पैकेज है जो कि 15 से 16 हज़ार है, उससे हटके आपको हर प्लाट बेचने पे, हर फाइल सेल करने पे, हर प्रॉपर्टी को मैच्योर करने के ऊपर अलग से कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप 5 लाख की को फाइल सेल करते हैं और उसका 1% कमीशन भी आपको सिर्फ दिया जाए, 1% कमीशन 5 लाख का भी दिया जाए, तो वो तकरीबन 5000 बन जाता है। लिए मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि 5 लाख का प्लाट कोई नहीं है, 5 लाख की फाइल कोई नहीं है। आप कम से कम भी एक मरला जो है उसे अगर सेल करते हैं किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर बैठ के, तो एक मरले का रेट भी 20 लाख से ज़्यादा होता है। तो 20 लाख का मतलब 1% 20,000 रुपया होता है। अगर आप 1 महीने में एक प्लॉट सेल करने में भी, एक फाइल सेल करने में भी कामयाब होते हैं, तो आपको 1% के हिसाब से उसका कमीशन भी मिलता है। तो वो बच्चे जो कि एफर्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, क्लाइंट्स के साथ बात कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन बड़ा अच्छा है उनका, और वो समझते हैं कि वो कॉन्फिडेंट हैं, उनको बात करनी आती है, वो ऐसे लोग जिनकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो वो तमाम फीमेल्स जिनकी तलीम मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, वो इस जॉब को अप्लाई करने की अहल होंगी। बेसिक सैलरी पैकेज भी आपको बता दिया, कमीशन का तरीकाकार भी आपको गाइड कर दिया गया। इसमें वो तमाम फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं जो कि तजर्बाकार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास पहले से किसी प्रॉपर्टी का, किसी हाउसिंग सोसाइटी का एक्सपीरियंस मौजूद है। तो वो तमाम फीमेल जो कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, वो भी इस जॉब को अप्लाई कर सकती हैं। 8 आवर्स की ड्यूटी, सेम चीज़ें, सेम मामलात, सेम लोकेशन के ऊपर, बट उनका जो बेसिक पैकेज होता है वो 20,000 से 25,000 तक होता है, प्लस इंसेंटिव कमीशन और बोनसेस प्रोवाइड किए जाते हैं।
तो तमाम फीमेल कैंडिडेट्स जो कि इस जॉब को अप्लाई करना चाहती हैं वो टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज के ऑफिस को विजिट कर लें या टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज के दिए गए इन 6 नंबर्स के ऊपर कॉल कर लें और मजीद इंफॉर्मेशन लेकर ऑफिस तशरीफ लें। ऑफिस का टाइम सुबह 10 से 4 बजे तक है। ऑफिस की लोकेशन शादरा मोड 25 नंबर स्टाफ अल्फला बैंक के बिल्कुल ऑपोजिट बेसमेंट के अंदर है। इतवार को ऑफिस बंद होता है, पीर से लेकर हफ्ते तक आप किसी भी दिन हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। असल डॉक्यूमेंट्स लेकर आए और 4 बजे से पहले आप आ सकते हैं, 4 बजे ऑफिस बंद कर दिया जाता है। टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली नई नौकरियां आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखें, मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।